नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSCDLE हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आपको बैनर पोस्टर की आवश्यकता होती होगी। बहुत सारे VLE का कमेंट था, जो VLE अभी नए नए अपना CSC सेंटर ओपन किए हैं, उनका कमेंट था कि सर बैनर पोस्टर कहाँ से डाउनलोड किया जाए, क्योंकि प्रत्येक राज्य का जो CSC 2.0 का जो कॉमन ब्रांडिंग होता है अलग अलग होता है, तो कहाँ से अलग अलग डाउनलोड किया जाए। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे और कहाँ से बिल्कुल फ्री में बैनर पोस्टर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी राज्य के हो आप डाउनलोड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, और उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसका जो HD क्वालिटी में होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वालिटी में मिला है आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डाउनलोड करना जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE की पल पल की खबर मिलती रहती है, तथा जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण अपडेट को जान लेते हैं और कैसे बैनर पोस्टर डाउनलोड करना है इसे सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए आप आ जाएंगे CSE.commonbranding2.0। जैसे इस पर आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि आप इसे डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ आ जाएंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद आप ऊपर से देख सकते हैं, दिया गया है CSE 2.0 कॉमन ब्रांडिंग द शॉप फ्रंट। इसके बाद यहाँ आने के बाद नीचे देखिएगा, टोटल राज्य का नाम नीचे दिया गया, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेकिन टोटल राज्य किसी भी राज्य का हो, उस राज्य पर क्लिक करके आप अपने राज्य का जो फ्लैक्स है CSE का, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो पूरा दिखेगा, तो कहीं किसी भी राज्य का हो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटल राज्य का यहाँ कॉमन ब्रांडिंग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, डाउनलोड करने के लिए चाहे किसी भी राज्य के हों, उसके सामने आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्लैक्स जो होगा डाउनलोड का ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। इस पर JPG में जिसमें आप चाहते हैं क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में अगर ये तो आप प्रिंट करवा कर लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप जाते हैं जहाँ फ्लैक्स प्रिंट होता है, उसके बाद जाइएगा तो कहता है कि हमें CDR फाइल चाहिए, CDR फाइल चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो देखिए CDR फाइल यहाँ दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। नीचे वाले जो ऑप्शन दिया है, CDR फाइल को डाउनलोड करके उनको दे देंगे, तो आसानी से प्रिंट कर देंगे। आपसे डिजाइनिंग का पैसा वो नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल डिजाइनिंग आप करके उनको दे रहे हैं, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो आसानी से आप डाउनलोड करके अपने CSE सेंटर पर इस बैनर पोस्टर को लगाइए, काफ़ी आकर्षित बनाइए अपना सेंटर, ताकि कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हो और आए, और अधिक से अधिक कस्टमर मिलेंगे तो इनकम भी अधिक से अधिक होगी। और प्रचार, किसी संस्था के लिए प्रचार प्रसार बहुत ही जरूरी होता है। जब तक प्रचार नहीं होता तब तक इनकम बढ़िया नहीं होती है। तो प्रचार पर ध्यान दें और निश्चित रूप से इस सब को लगाएं, आपकी इनकम निश्चित बढ़ेगी। तो ये एक सूचना देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भैया साथियों।